प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने लखनऊ सहित कुछ जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है और प्रदेश में जहां कहीं भी ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन की कमी पाई गई वहां के अधिकारी अपने प्लांट को ठीक करवा लें। जो लक्ष्य मिला था भारत सरकार के द्वारा उसमें 14,795 ऑक्सीजन प्लांट ही स्थापित हुआ है, बाकी 2,040 ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करना है। आज़ादी का 75वां वर्ष गांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए सभी 75 जनपदों में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है। इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। इसलिए हम सभी का प्रयास है कि प्रदेश को स्वास्थ्य में उत्तम प्रदेश बनाना है। यदि अस्पताल में कोई मरीज अपना इलाज कराने आ जाए तो उसका इलाज करके ही मरीज को घर भेजना है। सभी अस्पतालों में अधिकारी मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जिसके संबंध में सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने 75 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किया है। उन्होंने कोविड की चौथी लहर पर बोलते हुए कहा कि सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट व अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए और जिला अस्पताल में जो भी मरीज आ रहे हैं उनको सभी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देवरिया विशेष ध्यान दे, ठीक है, भदोही वाले सुन रहे हैं भैया, भदोही जी, भदोही से आवाज आ रही है, अच्छा मऊ से, सीएमएस एमबीएस बात बिल्कुल रहा, अच्छा मऊ से आवाज आ रही, मऊ जी सर, प्रणाम सर, अच्छा हमीरपुर, यस सर, ठीक है, और झाड़ियों के कटान पर विशेष ध्यान दें, ठीक है, कोरोना होने वाले मरीजों की संख्या पर और यदि कहीं शिकायत आती तो तत्काल उसके लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, कोई लापरवाही स्तर पे ना हो और इन तीन जगहों के अतिरिक्त सभी जनपद सतर्क रहे भी कराने के इंतजाम करें। अभी सार्वजनिक स्थानों पर एनसीआर और लखनऊ में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड के लिए कह रहा हूँ, हमीरपुर अपना माइक ऑफ कर लीजिए। 28/3/2022 को सभी जनपदों में मार्च ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस मार्च ड्रिल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट में जिला स्थानों पर प्रायोरिटी और फ्लो में कमी पाई गई है, उन स्थानों पर वेंडर से संपर्क कर उन्हें यथाशीघ्र ठीक करा दिया गया। जहां जहां ऑक्सीजन प्लांट में प्रायोरिटी और फ्लो में कमी पाई गई है, जहां जहां ऑक्सीजन प्लांट में प्रायोरिटी और फ्लो में कमी पाई गई है वो लोग ठीक करा ले अपना, ठीक है भैया, ऐसे ऑक्सीजन प्लांट में इसको आप लोग अभी भी चेक कर लीजिएगा, अगर उस समय जो आपको डेटा दिया गया हो तो ठीक है, अभी चेक कर लीजिए आपकी प्रायोरिटी क्या है, फ्लो क्या है, उसको चेक कर लीजिए। सर प्लीज बता दें, भारत सरकार द्वारा मिले थे, पीएम केयर्स के द्वारा मिले गए थे, इनमें से मात्र 14,795 ही स्थापित कर पाए हैं हम लोग, शेष 2,040 शीघ्र स्थापित कर रहे हैं, हम लोग तत्काल शुरू कर रहे हैं। मंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, ये सुनिश्चित किया जाए कि इन मेलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि बड़ी संख्या में लोग इसका लेने की आवश्यकता है। Thank you.
आपसे यही अनुरोध है कि हम सब मिलकर के अपने प्रदेश को एक बेहतर स्वास्थ्य के मामले में हम सबको बनाना है, किसी को भी निराश नहीं करना है, और अस्पताल परिसर में यदि कोई आ जाए मरीज तो उसे हमें संतुष्ट करके ही उसके घर भेजना है। कहीं ये ना लगे कि उसको उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार है जिससे वो दुखी होकर के जाए अस्पताल परिसर से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने हम पूरे 75 जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के साथ एक सामूहिक बैठक ली और पारिवारिक सदस्य की हैसियत से उन्होंने सब लोगों को निर्देशित किया कि जैसा कि कोविड बगल के पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहा है तो कोविड के लिए हम लोगों को किया कि अपने यहाँ सारी व्यवस्थाएं सजग सुध कर लें, और दूसरा ये किया कि मरीजों के साथ जो भी चिकित्सालय में मरीज आ रहे हैं उनको समस्त प्रकार की जो भी सरकार की सुविधाएं दी जा रही हैं उनको यथावत उनको उपलब्ध कराई जाए।